Let's consider this question. It says there's a vessel of volume V, and you need to evacuate this by means of some air piston pump, and every stroke captures delta V volume out. We need to find how many strokes are needed so that its pressure is reduced eta times. This is ideal gas filled and isothermal process. So we can make a figure. Let's say this is a chamber and this carries a volume V. And in this chamber we have some arrangement like this, air piston or system, maybe some sort of this. And there's a piston arrangement over here. Arrangement kaisa hai wo ek alag story hai. Kya chal raha hai, that's important for us ki जब ये पिस्टन बाहर जाएगा तो थोड़ा सा स्पेस ओपन करेगा, और मे बी लाइक कि ऐसा भी बना सकते हो अरेंजमेंट, अगर आपको प्रैक्टिकली बनाना है तो मे बी लाइक कि इसको आगे प्रोड्यूस करा दो, इसको और इस तरह से प्रोड्यूस करा दो. नाउ जब ये पिस्टन बाहर चला जाएगा तो ये स्पेस ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से गैस को या फिर जो भी गैसेस में फिल्ड है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं किसी और वेजल में. इसके बाद ये इस पिस्टन को फिर से हम अंदर की तरफ ले आएंगे तो वो क्लोज हो जाएगा. सो दिस पिस्टन इज मूविंग लाइक दिस. सो जब ये पिस्टन बाहर जाएगा तो गैस निकल सकती है. एक स्ट्रोक में कितना गैस निकलता है वो डेल्टा वी है. सो डेल्टा वी गोज इन वन स्ट्रोक, टोटल इसका वॉल्यूम वी है. इनिशियल प्रेशर लेट्स से पी नॉट था इनिशियल प्रेशर. सो एंड नंबर ऑफ लेट्स स्ट्रोक लगते हैं जिसकी वजह से इसका प्रेशर जो है एट अ टाइम डिक्रीज हो जाएगा. अच्छा, जब ये गैस बाहर निकलेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कम हो जाएंगे, और इस कंटेनर का वॉल्यूम तो वही रहेगा, तो जो बचा हुआ गैस है उसका वॉल्यूम वही रहेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा. हमारे पास इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर डी. आइसोथर्मल लेना है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज कर रहे हैं, आर कॉन्स्टेंट है, वी वही रहेगा, पी डिक्रीज करेगा. तो नंबर ऑफ मोल्स और पी आपस में लिंक किया जा सकता है, या फिर हम लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम. यहाँ पर एम मॉलिकुलर मास जो रहेगा वो वही रहेगा और ये सारे कांस्टेंट रहेंगे. सो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी रहेगा, तो डेंसिटी का टर्म में भी बात कर सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम वही है, कंटेंट कम हो रहा है गैस का, तो उसका डेंसिटी आप समझ सकते हो डेंसिटी डिक्रीज कर रहा होगा. सो अगर डेंसिटी डिक्रीज करता है किसी फैक्टर से, प्रेशर भी उसी फैक्टर से डिक्रीज करेगा. तो अगर प्रेशर को हमको समझना है कि ईटा टाइम रिड्यूस करता है, तो डेंसिटी भी हमारी ईटा टाइम से रिड्यूस हो जाना चाहिए. सो इनिशियल के लिए हम इसको लेंगे कि पी नॉट प्रेशर है, रो नॉट डेंसिटी है इनिशियली. नाउ जब फर्स्ट स्ट्रोक लगेगा तो क्या चलेगा, तो लेट्स हैव अ फर्स्ट स्ट्रोक, और आफ्टर फर्स्ट स्ट्रोक बेसिकली. सो फर्स्ट स्ट्रोक में क्या होने वाला, उससे पहले इसका वॉल्यूम वी था और जो एन नंबर ऑफ मोल्स थे वो वी में थे, या फिर डेंसिटी रो नॉट थी. उसके बाद डेल्टा से डेंसिटी रो वन हो जाती है. तो कैन वी से कि जो कंटेंट यहाँ पर है और जो कंटेंट बाहर निकला है, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स वही हो जाएंगे या टोटल मास वही हो जाएगा, इजंट इट. सो वी कैन से कि जो इनिशियली मास था लेट्स से वो एम नॉट था, वो अब दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एम वन जो सर्वाइव कर रहा है और दूसरा एम वन डैश जो बाहर निकल गया, ऐसा बोल सकते हैं. नाउ इनिशियली कितना मास रहा होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा क्या डेंसिटी थी क्या वॉल्यूम था. बचा हुआ इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या डेंसिटी अपने पास बची हुई है और हाउ मच दिस वॉल्यूम इज लेफ्ट ओवर, दैट इज वी. कितना वॉल्यूम हमने बाहर निकाला है दैट इज डेल्टा वी, और ये रोवन डेंसिटी का डेल्टा वी रहा होगा. या फिर डायरेक्टली आप ऐसे बोलो तब भी चलेगा कि जो रोवन डेंसिटी है उसमें वी प्लस डेल्टा वी वॉल्यूम हो गया. ये डेल्टा वी वो वॉल्यूम है जो निकल चुका है. सो दैट मीन्स आफ्टर वन स्ट्रोक यू विल फाइंड कि जो डेंसिटी हमारे पास बचती है वो रोवन है. रोवन की वॉल्यूम कितनी आ जा रही है, दैट्स रो नॉट वी इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा वी. तो अब देखोगे कि जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर दी है. नाउ इसके बाद हम लोग सेकेंड स्ट्रोक पे जाते हैं, फिर इसके बाद थर्ड पे जाएंगे, फिर इसके बाद अपने को कोई एक आइडिया लग जाएगा कि किस सीरीज पे जा रहा है, किस तरह से चेंजेस चल रहे हैं. जब आप सेकेंड स्ट्रोक लोगे
तो इनिशियल डेंसिटी आपकी रो वन थी और वी वॉल्यूम पे इतना सैंपल था, मास था आपका। अब ये डेंसिटी रो टू हो जा रही है, कितने वॉल्यूम पर? वी प्लस डेल्टा वी, क्योंकि डेल्टा वी आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिला है जो यहाँ पे निकला होगा गैस, तो ये पूरा वी प्लस डेल्टा वी हो गया होगा बेसिकली, यहाँ पर डेल्टा वी है। सो पॉइंट इसकी जो रो टू है दैट कम्स आउट टू बी रो वन वी डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा वी। अच्छा, रो वन को रो नॉट के टर्म में हम लोग ऑलरेडी लिख लेते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी रो नॉट वी प्लस डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा वी का स्क्वायर हो जाएगा। जो आप थर्ड पर जाओगे तो सेम चीज़ को रिपीट करना होगा, बस यहाँ पे टू हो जाएगा, यहाँ पे थ्री हो जाएगा। सो आप पाओगे कि रो थ्री की वैल्यू आएगी थर्ड स्ट्रोक के बाद। वी कैन कॉपी दैट कि रो थ्री डेंसिटी विल बिकम रो नॉट वी डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा वी, इसकी रेस्ट पावर कितना आ जाएगा? थ्री। ओके, सो क्या यहाँ से हम लोग एन स्ट्रोक के बाद बात कर सकते हैं? आफ्टर एन स्ट्रोक, आफ्टर एन स्ट्रोक्स। सो अगर एन स्ट्रोक्स लगते हैं तो कैन वी से कि जो रो एन एन स्ट्रोक के बाद की डेंसिटी आएगी वो रो नॉट पे डिपेंड करेगी, वी डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा वी रेस्ट पावर एन पर डिपेंड करेगी। हर स्ट्रोक के बाद जो पावर आती है वो उसी नंबर पे चली जाती है। अच्छा, ये प्रेशर और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो प्रेशर आफ्टर एनथ स्ट्रोक इज गोइंग टू बी इन द सेम इंक्रीजिंग बाय द चेंजिंग बाय द सेम फैक्टर, दैट मीन्स पी नॉट वी डिवाइड बाई वी प्लस डेल्टा वी रेस्ट पावर ईटा, और एन एन एनथ के बाद हो जाएगा। सो जिस तरह से डेंसिटी चेंज हुआ प्रेशर को वही चेंज होना चाहिए। अब इसने बोला कि प्रेशर रिड्यूस बाई फैक्टर वन, फैक्टर ऑफ ईटा, सो दैट मीन्स दिस बिकम्स पी नॉट बाई ईटा, पी नॉट बाई ईटा। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ दिस, लाइक कि ईटा की जो वैल्यू आ रही है, ईटा इज इक्वल टू, अपसाइड डाउन कर दिया, सो ये बनेगा अपने पास वन प्लस डेल्टा वी वाई वी, डिवाइड भी कर दिया रेस्ट पावर एन। अपने को एन निकालना है, ईटा नहीं, तो इसको आप एल एन ले सकते हो। सो नेचुरल लॉग ऑफ ईटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू एन टाइम्स एल एन ऑफ वन प्लस डेल्टा वी वाई वी। अपने को यहाँ से एन चाहिए था, सो द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स नीडेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू एल एन टाइम्स ईटा डिवाइड बाई एल एन टाइम्स वन प्लस डेल्टा वी वाई वी। सो ये जो अपना आंसर आ रहा है ये उन्हीं टर्म्स में आ रहा है जो गिवेन है, लाइक ईटा गिवेन है, डेल्टा वी और वी गिवेन है, उसके टर्म्स में अपने को पता चल गया कितने नंबर ऑफ स्ट्रोक्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, थैंक यू।